बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दिस इज़ मी हबीबा डार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमने कोई टिप की, कोई ट्रिक की, कोई जुगाड़ की बात नहीं करनी, बल्कि ऐसी बुनियाद की बात करनी है जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है जी चैनल की ग्रोथ के बारे में। मेरे पास रिसेंट जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पर जितने भी चैनल चेक होने के बारे में आ रहे हैं ना, उनका दावा यही होता है कि हमारा कॉन्टेंट भी अच्छा है, इसके अलावा हमारे चैनल की सेटिंग भी ठीक है, बट ये कि फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे कंसिस्टेंट रहने के बावजूद। आपके बहुत सारे कमेंट्स देखने के बाद, इसके अलावा बहुत सारे चैनल चेक करने के बाद, ऐसे लोगों के जिनका कहना था कि हमारे चैनल पे कोई भी इशू नहीं है बट व्यूज का इशू आ रहा है, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये लाजमी से वीडियो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो लिहाजा अगर आप बिगिनर हैं, आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा, व्यूज नहीं आ रहा अच्छे कॉन्टेंट के बावजूद, तो ये वीडियो देख के आप जो है ना इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। बट ये एक चीज आपने जहन में रखनी है कि कभी भी अपने जहन में ये चीज सवार नहीं करनी, जस्ट कंसिस्टेंसी हम रखेंगे, इसके अलावा अच्छा कंटेंट रखेंगे तो हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा। एक चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर पे हम बात करके ये नहीं कह सकते कि जस्ट इसको कर लो आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। तो आज की वीडियो में उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की मैं बात करूंगी, वो है जी चैनल कैटेगरी के हवाले से। अब बहुत सारी ऑडियंस ऐसे करती है कि वो चैनल की कैटेगरी गर्ल्स सेलेक्ट कर लेती है, या फिर अपने चैनल की कैटेगरी जो उसने स्टार्ट से सिलेक्ट की है उसी को रखा, उसके बाद अच्छा कॉन्टेंट अपलोड करती भी रहती है लेकिन व्यूज फिर भी नहीं आते। आपको इस चीज का पता ही नहीं कि हमें टाइम टू टाइम चैनल की कैटेगरी चेंज करनी होती है इसको बूस्ट करने के लिए। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इस हवाले में बात करने वाले हैं। इसके अलावा वो व्यूअर जो कहते हैं कि आप ही हमारा चैनल इस टाइप का है वो किस कैटेगरी में आएगा, या फिर उस टाइप का है उसकी कैटेगरी क्या होगी, मैंने सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ पे लिख ली है वो भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपने किस टाइम अपने चैनल की कैटेगरी चेंज करनी है अपने चैनल को बूस्ट करने के लिए। तो लिहाजा बढ़ते हैं जी आज इस वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। इसके अलावा वीडियो को बाद में देखना है, पहले अभी से मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने अपने चैनल पे कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करके रखी हुई थी। इसके अलावा आपने पहले कभी कैटेगरी चेंज की थी या नहीं थी की, ठीक है, उसके बाद आपने वीडियो को देखना है। तो चलते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। बढ़िया, वीडियो की तरफ जाने से पहले जो अक्सर व्यूअर आते हैं जी व्हाट्सएप पे, उनको मैं बताती चलूँ कि अगर आप अपने चैनल चेक करवाने हैं या फिर चैनल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है मोनेटाइजेशन में, एडसेंस में, तो आप इस दिए गए नंबर पर रब्ता करके जो है ना अपने चैनल चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा बाकी यूट्यूब के हवाले से सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो के हवाले से कुछ पूछना है, कोई मसला मसाइल है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें दिल खोल के। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मैं लाजमी से आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। ये आपके कमेंट्स को देख के ही मैं आज की वीडियो बनाने जा रही हूँ, ठीक है। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। लेकिन ये कि व्हाट्सएप पर ये होता है कि टीम चूँकि उसको सिर्फ अपने काम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, वो आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ना ही उनको परमिशन है। तो लिहाजा आप कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन हो पूछ लिया करें। बाकी चलते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे जी चैनल की कैटेगरी की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, चैनल की कैटेगरी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कोई इमारत बनाई, ठीक है, उसकी इमारत की जो बुनियाद है वो स्टार्ट होती है उसकी बेस से, ठीक है। वो कब तक स्टेबल रहेगी, कब तक वो खड़ी रहेगी, वो डिपेंड करती है कि उसकी बुनियाद कितनी पावरफुल है, कितनी अच्छे तरीके से बनाई गई है। बिल्कुल इसी तरह से चैनल पे अगर हमने ग्रो करना है, अच्छे व्यूज लेके आने हैं, तो वो डिपेंड करता है उसकी सेटिंग पे। और सेटिंग में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले ऑप्शन हैं, उनमें से एक ऑप्शन है जी चैनल की कैटेगरी। ये चीज तो आपको रियलाइज होगी कि चैनल की कैटेगरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं जी कौन सा चैनल किस कैटेगरी में आता है। फर्स्ट नंबर पर मैं स्टार्ट लूंगी जी एक्सरसाइज वाले चैनल में, मतलब कि आपने बात को समझना, जस्ट वर्ड पर फोकस नहीं करना, आपने मेरी एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग कैटेगरी चेंज होती है। अब एक्सरसाइज में दो तरह के आते हैं, एक वो चैनल होते हैं जो कि आपको बिल्कुल करके दिखा रहे होते हैं कि आपने इस तरह से अपना वेट लूज करना है, ये आपने एक्सरसाइज दिन में करनी है, ये शाम में करनी है। तो उस तरह के जो चैनल्स हैं वो हमारे पास आएंगे जी स्पोर्ट्स वाले कैटेगरी में, ठीक है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में ऐसे चैनल आएंगे। अब वो चैनल जो कि एक्सरसाइज मतलब के वेट लूज के हवाले से टिप्स दे रहे हैं, इसके अलावा रेमेडीज दे रहे हैं, वो हमारे पास स्पोर्ट्स वाले कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आने वाले। उनके लिए कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट होगी, वो एजुकेशन हो सकती है या फिर इसके अलावा हाउ टू एंड स्टाइल हो सकती है, लेकिन सबसे बेस्ट यह है कि उसके लिए एजुकेशन वाली
कैटेगरी सिलेक्ट की जाएगी। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज वाला चैनल बना रहे हैं जिसमें आप एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं तो उसकी कैटेगरी स्पोर्ट्स होगी। अगर आप सिखा रहे हैं, कोई टिप्स दे रहे हैं, कोई रेमेडीज दे रहे हैं तो उसकी स्पोर्ट्स नहीं होगी, उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कंटेंट के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग चैनल की कैटेगरी चेंज होती रहती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे बात आ जाती है जी हमारे पास ऐसे चैनल जो कि चैरिटी बेस्ड हैं और इसके अलावा एनसीओस के साथ लिंक्ड हैं, जैसा कि हमारे पास चैनल है जी राह इंसानियत। ठीक है, आपको पता ही होगा जिसमें लोगों की खिदमत की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे चैनल की कैटेगरी हमारे पास क्या होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसकी है जी नॉन प्रॉफिट एंड क्रिटिसिज्म। ठीक हो गया, अब हमारे पास उसके बाद जो मोस्ट कॉमन है जी कैटेगरी वो है जी टेक के हवाले से, जैसा कि मेरा चैनल है, इसमें आ जाती है जी हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तो सबको तकरीबन पता ही हो गया। अब उसके बाद आती है जी नेक्स्ट व्लॉगिंग के हवाले से, वो है हमारे पास पीपल एंड ब्लॉग। ठीक है, व्लॉगिंग के चैनल जिसमें हम व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, डेली रूटीन शेयर कर रहे होते हैं, वो हमारे पास पीपल एंड ब्लॉग आ जाती है। अब जिन लोगों ने व्लॉगिंग की पीपल एंड ब्लॉग कैटेगरी चूज की हुई है, मैं उनको कहूंगी कि आप मेरी नेक्स्ट बात लाजमी सुन लीजिएगा, क्योंकि आपने इस कैटेगरी को टाइम टू टाइम चेंज करना होता है। कब चेंज करना होता है, किस पॉइंट पे चेंज करना होता है, क्यों चेंज करना होता है, इसका आंसर मैं आपको आगे चल के देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है जी पोएट्री के हवाले से। अब पोएट्री में हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज आएंगी, पोएट्री वाला चैनल म्यूजिक में भी आ सकता है, इसके अलावा इंटरटेनमेंट में भी आ सकता है। अब कौन सा चैनल म्यूजिक में आएगा, कौन सा इंटरटेनमेंट में आएगा, ये बात हम समझ लेते हैं। अगर आपने पोएट्री की वीडियोस बनाई हैं, मतलब कि आप अक्सर देखते होंगे कि शेर व शायरी के पीछे आप अपनी आवाज लगाते हैं, स्क्रीन पर लिखा आ रहा होता है, तो वो हमारे पास आएगी म्यूजिक में। ठीक हो गया, अगर आप शेर व शायरी का मुकाबला कहीं देख रहे हैं, कहीं करवा रहे हैं, जैसे कि अक्सर बड़े बड़े ग्रुप्स बैठ के आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं और शेर व शायरी के बारे में, तो वो म्यूजिक में नहीं आएगा, वो आएगा इंटरटेनमेंट में। ये चीजें हैं जी जिसकी वजह से आपका चैनल अक्सर ग्रो नहीं करता। ठीक है, आपको कोई बताता है कि पोएट्री का चैनल इस कैटेगरी में आएगा, आप जस्ट उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने कंटेंट को नहीं देखते। आपने देखना कि आप पोएट्री की वीडियोस किस टाइप की बनाने जा रहे हैं। आप अकेले अपने चैनल पे वीडियो बनाते हैं, पीछे जो है ना आप वॉइस ओवर कर देते हैं, स्क्रीन पे वो शेर लिखे आ रहे होते हैं, जैसा कि अकवाले जरिए के चैनल होते हैं, तो वो म्यूजिक में आएंगे, वो इंटरटेनमेंट में नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई ग्रुप बैठा हुआ है लोगों का, वो उसको सुन रहा है, इसके अलावा दो लोग चार लोग आपस में मुकाबला कर रहे हैं या फिर बो रहे हैं, तो वो इंटरटेनमेंट में आएगा, वो म्यूजिक में नहीं आएगा। ठीक हो गया, अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरीज हैं जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा पूछा था, उनकी भी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करती हूँ जी इस्लामिक के बारे में, कि इस्लामिक चैनल किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इस्लामिक चैनल के लिए भी दो तरह की कैटेगरी है, एक है जी म्यूजिक वाला, दूसरा है जी एजुकेशन या फिर पीपल एंड ब्लॉग। ठीक है, ये तीन कैटेगरी आती है इस्लामिक चैनल में। अब अगर आपने कोई नात पढ़ी है अपने चैनल पे या फिर आपने तलावत की है, आपकी इस टाइप की वीडियो है, तो आपने उस पे म्यूजिक वाला ऑप्शन मतलब कि कैटेगरी चूज करनी है, ना आपने एजुकेशन वाली करनी है, ना आपने पीपल एंड ब्लॉग वाली करनी है। लेकिन अगर आप अपने चैनल पे इस्लामिक बयानात शेयर कर रहे हैं, जस्ट इस्लामी बयानात, ठीक है, इस्लामी वाक्यात शेयर कर रहे हैं, तो फिर वहां पे म्यूजिक नहीं आएगी कैटेगरी, वहां पे आएगी जी हमारे पास एजुकेशन या फिर पीपल एंड ब्लॉग। अब इन दोनों में से भी सबसे बेस्ट वाली है जी एजुकेशन। ठीक हो गया, अब मेरे वो व्यूवर जो कहते हैं जी आप ही हमारी कुछ वीडियोस तो तलावत से रिलेटेड हैं, कुछ नाच से रिलेटेड हैं और कुछ बयाना से रिलेटेड हैं, वो क्या करें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है और इसका आंसर अब मैं आपको करने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, आपके चैनल पे जिससे रिलेटेड ज्यादा वीडियोस हैं, आपने बेसिक में जाके वही कैटेगरी चूज कर लेनी है। मिसाल के तौर पर आप बयानात ज्यादा शेयर कर रहे हैं, तो आपने एजुकेशन ही अपने चैनल की बेसिक वाली कैटेगरी रखनी है। बट ये कि जब आप वीडियो अपलोड करने जाएंगे ना, उस टाइम आपने कैटेगरी चेंज करनी होगी। मिसाल के तौर पर आपने अपनी एजुकेशन वाली कैटेगरी चूज की हुई थी क्योंकि आपको लग रहा था कि हमने बयानात ज्यादा शेयर करने हैं, हमने अहदीस ज्यादा शेयर करनी है, इस्लामी वाकया ज्यादा शेयर करने हैं, मतलब कि तलीमात देनी है इस्लाम की, आपने एजुकेशन वाली चूज कर ली। बट ये कि आपका एक टाइम आपने ऐसी वीडियो डालना चाहिए जिसमें आपने तलावत की है या फिर नात पढ़ी हुई है, तो उस वीडियो की कैटेगरी वाले ऑप्शन में जाके आप अपनी कैटेगरी को चेंज करेंगे जो कि होगी म्यूजिक वाली। ठीक हो गया, बिल्कुल इसी तरह से जिनको मैं कह रही थी कि जिनके व्लॉगिंग वाले चैनल हैं वो भी जरा रुके, उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। अब मेरे पास बहुत सारी ऐसी बहनें आई हैं जिन्होंने अपने चैनल चेक करवाए हैं। अब उनके पास होता क्या है जी, वो पहले अपना चैनल व्लॉगिंग पे स्टार्ट करती हैं, व्लॉगिंग से वो शिफ्ट करती करती कुकिंग भी आ जाती है, मतलब कि कुछ वीडियोस व्लॉगिंग की आ जाती हैं, कुछ कुकिंग की आ जाती हैं। वहां पे आके अक्सर हमारा जो है ना वो क्लैश आता है। क्लैश इस तरह से आता है, अब हमने अपने चैनल की कैटेगरी पीपल एंड ब्लॉग सेलेक्ट की हुई थी, जब हम ऐसी वीडियोस को अपलोड करेंगे जो कि कुकिंग से रिलेटेड है और उसकी कैटेगरी भी पीपल एंड ब्लॉग होगी, तो वो वीडियो सही ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, क्योंकि कुकिंग की वीडियोस हाउ टू एंड स्टाइल में आती है, ना एजुकेशन में आती है, ना पीपल एंड ब्लॉग में आती है। क्योंकि जैसे ही आपने वीडियो अपलोड करनी है, यूट्यूब ने देखना है कि आपकी वीडियो की कैटेगरी क्या है,
उसी इंटरेस्ट के लोगों को आपकी वीडियो सजेस्ट होगी। अगर आपने गलत कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, मिसाल के तौर पर आपने कुकिंग की वीडियो अपलोड की, आपने वहां पे पीपल एंड ब्लॉग सिलेक्ट किया हुआ था, तो ऐसे लोगों को आपकी वीडियो शेयर होगी जो कि व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, ना कि ऐसे लोगों को जो कि कुकिंग में इंटरेस्ट है। तो होगा ये कि आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी, फिर आप पूछेंगे कि आप ही, हमने तो सारा कुछ ठीक किया, हमारी रेसिपी भी मजे की थी, थंबनेल भी अच्छा था, एसईओ भी अच्छी थी, तो इस तरह से चैनल ग्रो नहीं करेगा। आपने इस टाइम ये करना है कि फिर वीडियो के अकॉर्डिंग कैटेगरी को चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात जो आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप अपनी कैटेगरी को ना चेंज करें, बिल्कुल भी ना चेंज करें। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो कि आपके चैनल की बुनियाद को हिला के रख देती है। ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसको मैंने किया था, जिसकी वजह से मैंने 4 चैनल अपने खराब किए और 5वें चैनल पे आके मैंने जस्ट 14 दिन में अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया था, क्योंकि वही मिस्टेक मैंने दोबारा से रिपीट नहीं की थी। अब मेरे पास जितनी भी न्यू ऑडियंस आ रही है जो कि कमेंट करती है या फिर व्हाट्सएप पे आकर अपने चैनल चेक करवाती है, उनमें ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि वो स्टार्ट किसी और कैटेगरी पे करते हैं, फिर देखते हैं जब दूसरा चैनल उस पर व्यूज अच्छे आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर टेक का ही चैनल है, कुकिंग वाले चैनल पर टेक स्टार्ट कर लेते हैं या फिर ब्लॉगिंग वाले चैनल पर टेक स्टार्ट कर देते हैं, बाद में उनके जो व्यूज आ भी रहे होते हैं वो भी नहीं आते। तो यकीन करें ये बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि आपके चैनल को किल करके रख देती है, जो व्यूज आने भी होते हैं वो भी नहीं आते। अब यहाँ पे बाकी मैं बातें कर लूँ जी, जो ब्यूटी टिप्स के हवाले से चैनल है जिसमें वो ब्यूटी की टिप्स देते हैं, रेमेडीज देते हैं, वो भी हाउ टू एंड स्टाइल में आएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टिचिंग की वीडियोज डाल रहे हैं, मतलब कि सिलाई करके कुछ सिखा रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी हाउ टू एंड स्टाइल में आएंगे, एजुकेशन में नहीं आएंगे। इसके अलावा आपका कोई भी चैनल है, मिसाल के तौर पर आपका किसी और कैटेगरी से फॉल कर रहा है जिनको मैंने वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसकी कैटेगरी आपने किस तरह से सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे मैं आपको साइड पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शो कर देती हूँ। आपने जाना है फर्स्ट नंबर पे यूट्यूब पे, यूट्यूब पे जाके जिस तरह का आप कंटेंट अपलोड करना चाह रहे हैं उस तरह के कोई 5 चैनल फाइंड करके उनके नेम नोट कर लेने हैं, ठीक है। क्रोम में जाके आपने सर्च करना है सोशल ब्लेड, ठीक है। उसको जब आप सर्च करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहां पे टॉप पे आपको सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपने चैनल का नेम 1 by 1 सब चैनल का नेम मेंशन करने हैं और उनको सर्च करना है। सर्च करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन नजर आता है जी चैनल टाइप वाला, वो पूरे पेज के अंदर मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। वहां पे आपने देखना कि इन 5 चैनल ने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, उनमें से जो सबसे ज्यादा टाइम चैनल ने कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है वही कैटेगरी आपके चैनल की होगी। अब यहाँ पे मैंने आपको 5 चैनल इसलिए बोले हैं, बाजुकात कुछ चैनल ने अपनी कैटेगरी गर्ल्स सिलेक्ट की होती है मिस गाइडेंस की वजह से या फिर उनको पता नहीं होता, तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए मैंने आपको यही कहा कि आप क्रोम में जाके सोशल ब्लेड को सर्च करेंगे, वहां पे चैनल का नेम 1 by 1 करके सर्च करेंगे, चैनल के टाइप देखेंगे, जिन्होंने ज्यादा दफा जो कैटेगरी सिलेक्ट की हुई वही आपने सिलेक्ट कर लेनी है। बाकी फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हमारा चैनल किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। तो लिहाजा अब आपने वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि मैं बिल्कुल पसीने में शराबोर होकर जो है ना ये वीडियो बना रही हूँ और इतना आसान नहीं होता कंटेंट बनाना। बात है जी आपके प्यार की, जितना आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और इसके अलावा जो है ना सब्सक्राइब करेंगे, इंशाल्लाह मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आती रहूंगी। तो ये है जी हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन। फर्दर मैं आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर करने जा रही हूँ जिनको लेके आप अपनी कैटेगरी के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करके अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।